अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स सैमसंग वाले अपना न्यू स्मार्टफोन गैलेक्सी M31 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। सैमसंग ने इस साल नई गैलेक्सी M सीरीज़ लॉन्च की थी ताकि वो लो कॉस्ट वाले चाइनीज़ स्मार्टफोन शाओमी, मोटोरोला और ओप्पो का मुकाबला कर सके। सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ लो प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है। सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ तकरीबन A सीरीज़ ही है, लेकिन सिर्फ कुछ डिज़ाइन चेंजेस की गई हैं और कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस तकरीबन सेम ही होती हैं। सैमसंग गैलेक्सी M30 और A50 स्पेसिफिकेशन के हवाले से तकरीबन सेम ही स्मार्टफोन थे और सेम केस था गैलेक्सी M20 और गैलेक्सी A30 का और गैलेक्सी M30s और गैलेक्सी A50s का। सैमसंग ने गैलेक्सी M30 और गैलेक्सी M30s को फरवरी और सितंबर 2019 में अनाउंस किया था, तो सैमसंग वाले गैलेक्सी M30 और गैलेक्सी M30s का सक्सेसर गैलेक्सी M31 अनाउंस करने जा रहे हैं। गैलेक्सी M31 की जो गीक बेंच पर इन्फो हासिल हुई है उसके मुताबिक गैलेक्सी M31 में One UI 2 लेटेस्ट UI और Android 10 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको डार्क मोड और ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट फीचर्स हासिल हो जाएंगे। UI में जो चेंजेस हुई हैं वो भी हासिल हो जाएंगी। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये किसी तरह से भी Xiaomi नहीं है। अगर हम डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो कोई भी, हत्ता कि Xiaomi भी सैमसंग को बीट नहीं कर सकता है। गैलेक्सी M31 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेंटर पंच होल डिज़ाइन दिया जाएगा। सैमसंग वाले सेंटर पंच होल डिज़ाइन को गैलेक्सी A51, A71, A81 और A91 जो सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन हैं उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात की है कि सैमसंग की M सीरीज सिमिलर होती है A सीरीज़ के, सिर्फ कुछ डिज़ाइन चेंजेस होती हैं, तो हो सकता है कि सेंटर में या फिर साइड पर पंच होल सेल्फी शूटर दिया जाए जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा। अगर रैम के हवाले से बात करें तो M31 में 6GB रैम दी जाएगी और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। गीकबेंच के ज़रिए ये बात भी पता चली है कि गैलेक्सी M31 में एक्सिनोस 9611 का चिपसेट दिया जा रहा है, जो सैमसंग वाले ऑलरेडी अपने M30s, A50s और लेटेस्ट स्मार्टफोन A50 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चिपसेट के हवाले से जो सा है, इतना अच्छा चिपसेट M31 में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो सैमसंग वालों को जहां पर वो डिज़ाइन चेंजेस और डिस्प्ले की चेंजेस देते हैं वहां पे उनको थोड़ा सा चिपसेट के हवाले से भी चेंजेस देनी चाहिए, जो कि वो अब तक नहीं दे रहे हैं। अगर हम कैमरे के हवाले से बात करें तो गीकबेंच ने इस हवाले से कोई इन्फो नहीं दी है, लेकिन रूमर्स हैं कि गैलेक्सी M31 की बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया जा रहा है, जिसमें जो मेन सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस होगा, जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, और जो तीसरा सेंसर होगा वो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अगर हम बैटरी कैपेसिटी के हवाले से बात करें तो गैलेक्सी M31 में 5000 मिली एम्पेयर और की काफ़ी यूज बैटरी कैपेसिटी दी जा रही है, जिसके साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है। अगर हम प्राइस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो ये 32,000 से 33,000 की रेंज में अवेलेबल होगा। अगर हम लॉन्च डेट के हवाले से बात करें तो सैमसंग वाले M30 को फरवरी में लॉन्च किया था, तो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि गैलेक्सी M31 भी फरवरी 2020 तक लॉन्च हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक हाफिज़।